Hey there, welcome back to this YouTube channel once again. I hope everyone is doing great. So today in this video, I'll be share with you what is the training procedure of SpiceJet cabin crew. I got lots of comments and DM on Instagram account. Like, could you please tell us about SpiceJet ki kaise training wagera mein kya kya hota hai. So I would like to request before the video start, please channel ko subscribe kar lijiyega aur bell icon ko press kar lijiyega further update ke liye. So without wasting time, let's come to the point. I want beating around the bush. To jo bhi kuch jo bhi mere ko pata hai to main aapke sath yahan discuss karungi. To jo training procedure for cabin crew goes for around 45 to 90 days. You have to get certified in certain modules in order to complete the training. Kuch modules hote hain jo aapko फॉलो करने पड़ते हैं जो भी आपकी ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है. हाउ एवर ट्रेनिंग प्रोसीजर फॉर कैबिन क्रू गोज एज फॉलोज. तो जो फर्स्ट होता है वो है ग्रूमिंग सेशन. दे विल टेल यू हाउ टू डू ग्रूमिंग. बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा, लाइक किस तरीके से हम अपनी ग्रूमिंग करते हैं. ट्रेनिंग के दौरान आपको ये सब चीज़ें बताई जाएंगी. वेयर यू विल बी गाइडेड अबाउट द ग्रूमिंग एज पर द गाइडलाइंस के थ्रू ये आपको बताया जाएगा. सेकेंड कम्युनिकेशन. येस, एज आई ऑलरेडी शेयर विद यू गाइज कि कम्युनिकेशन बहुत नेसेसरी है. आप जो भी इंटरव्यू एयरलाइंस के जो इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर कैबिन क्रू या फिर किसी भी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं. तो कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान रखा जाता है. वेयर इन यू विल बी ट्रेंड ऑन सर्टेन ग्रामर्स एंड कॉन्सेप्ट. आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं आप जब भी कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि एयरलाइंस का यही काम होता है कि डिफरेंट प्लेसेस के जो कस्टमर्स आते हैं उनके साथ हमें कम्युनिकेशन में मतलब इंग्लिश में ही बात करनी होती है, टॉक करनी होती है. तो ग्रामर बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, तो उसके ऊपर आपके लिए ध्यान दिया जाता है. एफसेक यानी कि एविएशन सिक्योरिटी. दिस इज द मैंडेटरी मॉड्यूल विच ऑल कैबिन क्रू रिगार्डलेस ऑफ द एयरलाइन हैव टू गो थ्रू. इट मे टेक अप टू 5-7 डेज. एफसेक की आपकी ट्रेनिंग होती है. देन फर्स्ट एड अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. दिस विल हेल्प यू टू डील विद द मेडिकल सिचुएशन ऑन बोर्ड ड्यूरिंग द फ्लाई. अगर कुछ मेडिकल सिचुएशंस होती हैं, अभी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमें देखने के लिए मिलती हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब भी फ्लाई करते हैं या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट. तो फर्स्ट एड आपको सिखाई जाती है कि अगर आप उस सिचुएशन को किस तरीके से डील कर सकते हैं ऑन बोर्ड. ओके, सेफ्टी. हियर यू विल बी ट्रेंड ऑन द सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड एविएशन. दिस माइट बी अ टफ चैलेंज फॉर सम. यू विल ऑल्सो हैव टू गो थ्रू डिचिंग एंड क्रैश लैंडिंग प्रैक्टिसेस. कभी कभी डिचिंग होता है कि पानी में जो लैंडिंग करवा दी जाती है तो उसे हम डिचिंग कहते हैं. तो सेफ्टी का आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. तो आपको उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, कैसे आप ड्यूरिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो किस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं. तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ाया जाता है. आपके एग्ज़ाम्स भी होते हैं इसमें. डी जी. दिस मॉड्यूल इज़ अबाउट द डेंजरस गुड्स एंड हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस. सी आर एम एंड येस, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव मे बी यही सब चीज़ें होती हैं जो आपको सिखाई जाती हैं ट्रेनिंग के दौरान. आई हैव ऑलरेडी वॉच लॉट ऑफ वीडियोज़. मैंने बहुत सारी कैबिन क्रूज़ की वीडियोज़ भी देखी हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग के बारे में भी चीज़ें शेयर की हैं कि क्या क्या सिखाया जाता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग. तो जब भी आप ये सब चीज़ें क्लियर कर लेते हैं यू विल बी अ सर्टिफाइड कैबिन क्रू. आप कैबिन क्रू बन जाते हैं. बट ट्रेनिंग तक आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप इंटरव्यूज़ क्लियर कर लेते हैं. और लॉट्स ऑफ पीपल वर आस्किंग मी अबाउट हाउ टू क्रैक द इंटरव्यूज़ और किस तरीके से पता चल सकता है कि इंटरव्यूज़ कब होते हैं. तो देर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट जो कि जेन्युइन वेबसाइट हैं. SpiceJet की भी हैं वेबसाइट, इंडिगो की भी हैं, मतलब जितनी भी एयरलाइंस हैं सबकी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं. तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. वॉक इन इंटरव्यूज़ भी होते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी होते हैं. तो आप उन्हीं के थ्रू जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए. और इंटरव्यू देने से पहले आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड लॉट्स ऑफ वीडियोज़ रिगार्डिंग इंटरव्यूज़. तो आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि सैम्पल आंसर्स एंड क्वेश्चंस भी मैंने अपलोडेड किए हैं. देन तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप जब भी जाएँ तो जनरली वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करें तो परफेक्ट रहता है. क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस सुनने के लिए मिल रहे हैं कि लोगों से पैसे भी चार्जेस किए गए हैं जो कि एकदम फेक है. तो आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें. सो दीज आर द स्टेप्स जो कि SpiceJet कैबिन क्रू की ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है. तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिसके साथ भी जिसको भी नीड है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को. एंड थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग लेटेस्ट अपडेट एंड जॉब वैकेंसीज एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच.